हेलो फ्रेंड्स मित्रों, आज आप लाइव डिमांड स्टैंडर्ड फिफ्थ गुजरात मीडियम सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 16 पहेलिया उसके बारे में हम बात करेंगे। पहेलिया सबको पसंद आती है। पहेलिया एटले उखाणा। पहेलिया समस्या का या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलिया हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में भी इनसे वृद्धि होती है। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। मारू घर गोल गोल छे, मारा दरेक ओरडामां रस भरेलो छे, जेवी तमे मने मोटामां मूकशो के खुश थई जशो। चलो ए शुं छे? तो चले बी। उसके बाद धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता, हूँ मारा पग जमीन में संताड़ू छू, माथू आकाश में ऊँचू राखू छू, हूँ एक जगह स्थिर रहूँ छू परंतु चाली नहीं सकतू, हूँ पग वड़े भोजन करूँ छू। तो ये शू हो? तो शू छे? ए पेड़ એટલે કે વૃક્ષ અથવા ઝાડ। ચલો બાળકો ત્રીજો જોઈએ। હવે તીન અક્ષર કા મેરા નામ, શિર કે ઉપર મેરા સ્થાન, અંત કટે તો પગ બન જાઓ, મધ્ય કટે તો પડી રહું। ચલો ત્રણ અક્ષરનું મારું નામ છે, મારું સ્થાન માથા ઉપર હોય છે, છેલ્લો અક્ષર દૂર કરવાથી હું પગ બની જાઉં અને વચલો અક્ષર કાઢવાથી હું પડી રહું। તો એ શું છે? પગડી, એટલે કે પાઘડી, બરાબર। પહાડ એ પર પથ્થર નહીં, નદી એ પર જલ નહીં, શહેર એ પર જીવ નહીં, જંગલ એ પર પેડ નહીં। પહાડ છે પણ પથ્થર નથી, નદી છે પણ પાણી નથી, શહેર છે પણ જીવ નથી, જંગલ છે પણ ઝાડ નથી। તો કહો મિત્રો શું હશે આનો આન્સર? માનચિત્ર। શું આવશે જવાબ? માનચિત્ર, જેને શું કહેવાય? નકશો, બરાબર છે। ચલો આગળ વાત કરીએ। કાગજ કા ઘોડા, ધાગે કી કલ લગામ, છોડ દે ધાગા તો કરે સલામ। કાગળનો ઘોડો છે, દોરાની લગામ છે, દોરો છોડી દો તો સલામ કરે છે। તો એ શું છે? પતંગ। બરાબર, આ રહ્યા એના જવાબ। જલેબી, નકશો, વૃક્ષ, પતંગ અને પાઘડી। ચલો અભ્યાસ કેમ બાત કરે, નીચે દીએ કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લિખીએ, જિસમે પેડ અમે કિસ તરહ મદદ બોતે, તો પેડ અમે છાયા દેતે, ફલ ફૂલ દેતે, લકડી દેતે, જીને કે લીએ અત્યંત ઉપયોગી પ્રાણવાયુ દેતે, ઇસ તરહ પેડ અમે મદદગાર હોતે હે। ઉસકે બાદ દૂસરા ક્વેશ્ચન ક્યા હે? આપકો ખાને મેં કોણ કોણ સી મીઠી ચીજે પસંદ હે? તો કોણ કોણ સી? જલેબી, લડ્ડુ, પેંડા ઓર બરફી, આદિ ચીજે હમે ખાને કો પસંદ હે। પતંગ કે અલગ અલગ નામ હોતે, ઉનકી સૂચિ બનાઈએ। તો પતંગ કે અલગ અલગ નામ કોણ કોણ સે હોતે હૈ સોચીએ? ઢાલ, ડુગ્ગા, ચાંદેદાર, આંખેદાર, ચીલ, દુમદાર, તુક્કલ ઓર નવરંગ,
आदि पतंग के नाम है। चलो अभ्यास स्वाध्याय में हम देखते हैं, पढ़कर और समझिए। धरती तो आसमान, ये ऑपोजिट वर्ड दिए गए हैं आपको। धरती यानी जमीन, तो जमीन का ऑपोजिट आसमान यानी कि आकाश। उठाता तो गिराता, ऊपर तो नीचे, शुरुआत तो अंत, शहर तो गांव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि हम धरती पर रहते हैं, तो हम आसमान में नहीं रहते। इस तरह अच्छा आदमी, अच्छा आदमी लोगों को उठाता है और बुरा आदमी लोगों को गिराता है। उसके बाद तीसरा, आसमान ऊपर है, धरती नीचे है। उसके बाद चौथा है शुरुआत और अंत का, तो इस नाटक की शुरुआत अच्छी है, इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है। उसके बाद पांचवा है, लोग शहर में रहना पसंद करते, लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। तो ऐसे हमें वाक्य बनाने हैं। पढ़कर समझिए, हर रोज यानी हमेशा। इधर क्या दिया गया आपको, समानार्थी पहाड़ यानी पर्वत, पेड़ यानी वृक्ष, धरती यानी पृथ्वी, शिष्य यानी मस्तक। उसके बाद उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि पहला है हर रोज हमेशा, तो मैं हर रोज दूध पीती हूँ, मैं हमेशा दूध पीती हूँ। उसके बाद दूसरा, पहाड़ पर्वत, राहुल पहाड़ पर चढ़ता है, राहुल पर्वत पर चढ़ता है। उसके बाद तीसरा है पेड़ और वृक्ष, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो पेड़ हमें छाया देते हैं, वृक्ष हमें छाया देते हैं। उसके बाद चौथा है धरती और पृथ्वी, धरती सूरज के आसमान आसपास घूमती है, पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। उसके बाद पांचवा, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए और हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। जैसे कि आदमी, गधा, डंडा, रास्ता, शेर। इनो पिक्चर में से आपको कोई भी वर्ड ऐसे ढूंढकर लिखना है। पेड़, चाय वाला, कप रकाबी, शू और माला, पहाड़िया, विक्रम, वेताल, तलवार, बंदर, सितार, सांप, वजीर, वजन यानी 10 किलोग्राम का जो वजन यह है वो। इस तरह आपको शब्द ढूंढकर लिखने हैं। लिखो क्या बातें कर रहे होगे ये आपस में। गधा आदमी से कह रहा होगा कि मुझे कहाँ तक ले जाना है, मेरा बोझ कब उतारोगे, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास लगी है। चाय वाला शेर से क्या कहेगा, तो चाय वाला शेर से कह रहा होगा कि लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाया हूँ, पूरे दूध की चाय है, बहुत अच्छी बनी है, आपकी थकान दूर हो जाएगी। सुअर आपस में क्या बातें कर रहे होगे, तो सुअर आपस में कह रहे होगे कि हम कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं, गंदगी बहुत खाई है, अब हम अपने जीने की राह बदलेंगे और हमारे हाथों में मालाएँ हैं, राम नाम का जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। विक्रम वेताल से क्या बातें कर रहा होगा, तो विक्रम वेताल से कह रहा होगा कि मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, अब बता तू यहाँ क्यों रहता है।
ओके फ्रेंड्स, तो इधर हम लेसन नंबर 16 पहेलियाँ ये पूर्ण करते हैं और साथ ही हिंदी का सेमेस्टर 2 ये हम इधर फिनिश करते हैं। तो देखते रहिएगा हमारे वीडियोस, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। थैंक यू।